अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू घरेलू पकवान। आज हम बना रहे हैं हलवे के पूरिया। हलवे के पूरिया को चने की दाल आधा के जी लेकर हूँ मैं, 500 ग्राम में। दो बड़े नारियल लेकर हूँ, 2 के जी दाल को एक नारियल, इतना बड़ा नारियल एक नारियल ऐसा डालना। मैं आधा के जी दाल के पूरिया बना रही हूँ, हलवा बनाऊ, ये बाद में बताऊंगी। दाल गला के खोपरा नारियल फोड़ के खोपरा निकाल के तुरुक के बाद में बताऊंगी। चना की दाल धो कर रख लियो भाई, अभी हम पानी गर्म होने रख लियो। ये ग्लास से 4 ग्लास पानी दाल को रख लियो उसमें, ये गलने के वास्ते। दाल गर्म हो गए पानी, दाल दाल को मैं ऐसे अब गलने छोड़ रही। नारियल भी निकाल को, दो नारियल ले निकाल को, छिलको में ही रख लिया हुई है। अभी हमें तुरुप लेना, दाल गले तक ये तुरुप को रख लेती हूँ, बाद ग्राइंड करना नारियल ले और दाल दो भी। ये कुकर में गले तो एक सीटी गले, बस एक विधि लाए तक गल जाती है। अब ये मैं चूल्हे पर ऐसा गली हूँ, शटल में दाल को देखिए इस तरह से गल गई है। अच्छा ऐसा प्रेस करे तो ऐसा दब जा रही है। अब ये निथार को मैं ठंडे को छोड़ रही हूँ दाल। दाल गला को रख लियो, अब खोपरा भी तुरुप को रख लियो। अब ये निथार को मैं ठंडे छोड़ को आती हूँ। दाल निथर के अभी मैं इसे ठंडे को छोड़ रही हूँ, ये निथरा हुआ पानी। अभी खोपरा तुरुक के को दो नारियल का खोपरा में तुरुक के हो, कच्चा नारियल इधर भी प्लेट में भी है, इधर ट्रे में भी है। अब ये ग्राइंड करना दाल, और ये भी ग्राइंड करने के बाद दिखाऊंगी। दाल को ठंडे को छोड़ को मैं, ये ठंडी हो गई है दाल, ये ग्राइंड कर रही हूँ। सूखा पानी के अभी डालना नहीं, तो ऐसा ग्राइंड करके पाउडर बना लूँ मैं। दरी दरी डाल लेना दाल, आधा जार को भी रखी कम। दाल को ये जाको ग्राइंड कर लेना सूखा। देखे ये आधा के जी चने की दाल जो गली हुई थी वो पीस के ग्राइंड करके रख ली पाउडर बना को। ये दो नारियल का पेस्ट, दो नारियल का, ये 800 ग्राम शक्कर है, एक के जी में 200 ग्राम अलग से मैं उठा के रखी हूँ, कम पड़ी तो डाल लेना। ये 800 ग्राम रखी हूँ, ये 7-8 इलायची का पाउडर बना के रख ली। अभी ये बघारना जाके घी दाल के, मैं स्टोव ऑन करके क्यों बड़ी शतल रख लियो, उसमें घी डाल रही हूँ 5 स्पून। उसमें चार दालचीनी के टुकड़े, 7 लौंगा, ये दाल को जिसमें घी में गरम कर लेती हूँ। ये गरम होने के साथ नारियल जो पिसा हुआ नारियल है ना वो मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये पिसा हुआ नारियल डाल दीजिए।
थोड़ा पानी डाल के हरा के डाली हूँ बाउल में, ये थोड़ा पकने के साथ फ्लेम बड़ी करके हूँ। इसके बाद शक्कर डालेंगे। अभी इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर डाल के अच्छा मिक्स करके इसको पकाएंगे। पकाने के बाद वो चने की दाल जो सूखी पीस के रखो है ना, पानी नहीं डालना नहीं तो, वो मिक्स करेंगे इसमें। शक्कर घुल लिए, ये नारियल अच्छा पक रहा है, शक्कर अच्छा घुल गई है। अब इसमें मैं एक चुटकी ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, फूड कलर। ये पकते पकते बहुत उड़ता ही है, हुशार से पकाना, ये फ्लेम कम करना, बढ़ाना थोड़ी देर, बढ़ाना थोड़ी देर, कम करना। अब इसमें ये पिसा हुआ चने का आटा है ना, जो गली हुई दाल में पीसे थे, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डाल के मिक्स करेंगे। ये ऐसा सूखा पीस लिया तो दाल गला को इसे बहुत बहुत पकाने की जरूरत नहीं रहती। पानी दाल को पीस लिया तो बहुत उड़ता ही है, चूल्हे के पास दीवारों को अपना अपने आप पर उड़ जाता है, पकाने वाले को ऐसा सभी होता है। ये सब चीज देख को बहुत हिसाब से पकाना, पानी दाल को पीते तो पतला भी हो जाता है, बराबर पकता नहीं, पूरी बनाने हलवा हलवा जैसा नहीं रहता। मीठा कम है हलवे में, अभी 200 ग्राम में जो बचा के रखी थी वो मैं डाल रही हूँ उसमें मिक्स करने। 800 ग्राम तभी डाली थी, अब ये 200 ग्राम डाल रही हूँ। आधा के जी दाल चने की, दो बड़े नारियल, एक किलो शक्कर,
ये इलायची का पाउडर था ना, ये भी डाल के अभी मिक्स कर रही हूँ। 1/2 स्पून हलवा तैयार है। अब इसे ठंडे को छोड़ना, ठंडे को छोड़ कर पूरियाँ बना सकती। ये 1/4 kg मैदा का आटा है, ये कलाने के लिए दूध, ये 1/2 kg आटा मैं इधर बेलने के लिए लगाने स्प्रिंकल करने के वास्ते रख लियो। ये हलवा ठंडा होको है अब, पूरियाँ का हलवा। अब इसमें 1/2 स्पून में नमक डाल को दूध डाल को कला ले रही। अच्छा घट का लाना, ज़्यादा घट भी नहीं, बेलने होना, ऐसा बना लेना आटा। मैं कलाई बाद बताती हूँ। इतना इतना रहना, ज़्यादा पतला रहा तो अच्छा नहीं। अभी ये 10 मिनट रखी थी मैं रेस्ट करने, अब इसमें पेड़े बना लेती हूँ मैं। अच्छा गुण को पेड़े बना लेना। इस तरह से ये पपड़ बेलियो, देखिए इस तरह से, बहुत पतला भी नहीं रहना, बहुत मोटा भी नहीं रहना। अब इसमें भाई पूरन भर रही हूँ। एक 1.5 स्पून डाली हूँ भाई, बहुत भी डाला ले तो वजन हो जाती है, पूरी संभालती नहीं। इसके वास्ते देख को डाल लेना। इसे डिजाइन भी बना ले सकती, क्या होना के डिजाइन भी बना लिया जाए। इसे मैं ऐसा अच्छे ये 2 उंगलियों से ऐसा करके डिजाइन बना रही हूँ। देखिए इस तरह से
ऐसा कर ले, बाद में सेंटर में चकर के बिठा दे हलवा, बाद में इसको इस आराम से हो जाएगा, थोड़ा खींच के बिठा देना पापड़ को। देखिए इस तरह से इधर बना के रखे है, थोड़ा बारा खाना हवे को डाल के ही बाद में तलेंगे। देखिए पूरियाँ बारा खा को ही अब इसे तलने में कढ़ाई में तेल डालियो, अब गर्म हुआ तो आयल पूरियाँ एक एक दाल को तल रही हूँ मैं। मैया तेल में पूरी छोड़ रही हूँ, अच्छा गोल्डन कलर की होकर तले जाना पूरी। अच्छे से तली जा रही है, अब इसे मैं निकाल ले रही मैं एक एक पूरी दाल को आराम से तलने के वास्ते मैं एक एक इस दाल को तल रही हूँ, दो दो भी दाल को तल लिए जा।
तैयार है सर्व करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग घरेलू पकवान।